ओडिशा में रेल हादसा कैसे हुआ, इसका दोषी कौन है, क्या दोषी को सजा मिलेगी, ये सारे सवाल अगर आपके मन में हैं तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ओडिशा रेल हादसे की जांच जो है वो अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात का ऐलान किया और इसके पीछे वजह है ताकि रेलवे पर न्यायिक व्यवस्था पर आम लोगों का भरोसा जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि इस घटना ने समूचे देश को हिला दिया है। और क्योंकि शुरुआती जांच में कई सारी थ्योरीज निकल कर आ रही है, उसमें कंफ्यूजन की स्थिति भी, जैसे कि शुरुआत में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो है उसमें बदलाव की वजह से यह हादसा हुआ, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी पहचान कर ली गई है। लेकिन उसके बाद रेलवे बोर्ड की ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट टीम ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि शुरुआती तौर पर सिग्नल में गड़बड़ी हुई थी, और ये दोनों बयानों में काफी विरोधाभास है। तो ये विरोधाभास ना रहे इसलिए अब ये मामला सीबीआई को जा रहा है और सीबीआई मामले के कारण और दोषियों की पहचान करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात निकल कर आई है कि 288 नहीं बल्कि 277 जाने गई हैं, यह सरकार का कहना है, और इसके पीछे तर्क दिया गया है कि कुछ डेड बॉडीज ऐसी थी जिनको दो बार गिन लिया गया। हालांकि आम लोग जो हैं उनमें यह धारणा है कि यह आंकड़ा जो है ये 500-700, कुछ लोग तो हजार की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये 288 नहीं बल्कि 277 है डेथ नंबर। क्योंकि डेथ नंबर को लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के मन में बरकरार रहे। जिस तरह से हादसा हुआ, जो तस्वीरें निकल कर आईं वो एक्चुअली परेशान करने वाली थी, भयावह स्थिति है, ट्रेन की तस्वीरें जो गिरी हुई हैं वो चिंताजनक है। लिहाजा सब हर कोई ये जानना चाह रहा था कि डेथ का नंबर कितना है, क्योंकि कल शाम 5 बजे के बाद से अपडेट नहीं आया था। और ट्रेन में दोनों ट्रेन अगर मिला ली जाए तो दोनों ट्रेन मिलाकर तकरीबन 2200-2300 लोग जो हैं वो इस ट्रेन में सवार थे। लेकिन अब जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल डेटा दिया गया उसके मुताबिक 1175 लोग ऐसे हैं जो इस दुर्घटना में घायल हुए हैं, 793 लोग ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड सरकार के पास है और उन्हें इस दुर्घटना में घायल होने के बाद उपचार दिया गया और डिस्चार्ज कर दिया गया। इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि 288 नहीं बल्कि 275 लोगों की जान जो है वो गई है, और ये जानकारी जो आई है ये ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जेना जो हैं उनकी तरफ से दिया गया। और ये बताया गया कि जो पिछली जानकारी गलत हुई थी उसके पीछे की वजह थी कि कुछ डेड बॉडीज को दो दो बार गिन लिया गया था। हालांकि सरकार की तरफ से एक काम बताया गया है कि अभी जो दो मेन लाइन थी उनमें पटरी काम पूरा हो गया है, बिजली के लाइन पर काम चल रहा है और वहां पर ट्रेन सेवा जो है वो बहुत ही जल्द दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। कोशिश की जा रही है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने परिजनों के पास पहुंच जाएं। हालांकि अभी भी खबर ये है कि बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनमें लोग अपनों की पहचान तक नहीं कर पा रहे। मसलन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि अब तक 200 डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनके शवों की पहचान नहीं हो पाई है, यानी किसी भी शख्स ने, किसी भी परिजन ने उनको लेकर क्लेम नहीं किया है। और इसी वजह से सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं जिसमें हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, तस्वीरें जो हैं वो 2-3 वेबसाइट बना दी गई हैं जिनको अपलोड कर दिया गया है, और जो हादसे वाली जगह है वहां पर जहां पोस्टमार्टम हो रहा है या जहां पर घटना हुई है वहां पर एक टेबल लगाई गई है जिस पर तमाम डेड बॉडीज की तस्वीरें जो हैं रख दी गई हैं, ताकि आप आइए, अगर आपके परिजन हैं तो आप उनकी तस्वीर को पहचान सकते हैं और उस पर एक नंबर है जिसके जरिए आप उनको ले जा सकते हैं अगर आप उनका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। हालांकि एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि इनमें से ज्यादातर जो डेथ हुई है वो प्रवासी मजदूरों की हुई है, और ये थोड़ा हैरान करने वाला है। कहा जा रहा है कि इसीलिए जो परिजन हैं वो धीरे धीरे ओडिशा पहुंच रहे हैं। फिलहाल कई परिवार ओडिशा में हैं और सरकार की तरफ से 3 वेबसाइट जो है वो जारी कर दी गई। एक वेबसाइट है srcodisha.nic.in, दूसरी वेबसाइट है bmc.gov.in और तीसरी वेबसाइट है osdma.org। ये 3 वेबसाइट है। हेल्पलाइन नंबर भी एक जारी किया गया है 1929, और इसके अलावा भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जितने भी पब्लिक प्लेस ऐसे हैं वहां पर भी हेल्पलाइन के लिए जगह बनाई गई, ताकि अगर कोई जाता है तो वहां से वो अपने परिजनों को जो इस हादसे में जान गंवा चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि 275 डेड बॉडीज जो हैं वो टोटल हैं, इनमें से जो पहचान हुई है वो 88 लोगों की अब तक हो पाई है, 200 के आसपास पहचान नहीं हो पाई है, और 78 शव ऐसे हैं जिन्हें उनके परिजनों को दे दिया गया है। तो अभी भी बड़ी संख्या में शव जो हैं वो नहीं दिए गए हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि यह हादसा पहली बार हुआ है और हादसे बंद हो गए हैं तो आप गलत हैं।
हादसे लगातार होते रहे और इतिहास से लेकर वर्तमान तक में हादसे अनगिनत हुए हैं। अब क्योंकि इस मामले को लेकर सियासत भी लगातार जारी है, तो हमें लगा कि पिछली सरकारों के भी रिकॉर्ड आप तरह देते हैं। तो ममता बनर्जी कार्यकाल में 54 बार ऐसे हुए जब ट्रेनें आपस में हल्की फुल्की टकराई, डीरेलमेंट जो है वो 847 बार हुआ है और टोटल डेथ जो ममता बनर्जी जब रेल मिनिस्टर थी तो 1451 बार हुई। नीतीश कुमार के कार्यकाल की बात करेंगे तो 1500 से ऊपर लोगों की डेथ हुई थी, 1000 बार डीरेलमेंट का था और कोलिजन की घटनाएं 79 टाइम्स थी। और लालू जी के टाइम में 550 बार डीरेलमेंट, 51 बार कोलिजन और 1159 बार ऐसा हुआ जब लोगों की मृत्यु हुई, इतने कुल लोगों की। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी बात करें, 2017 से लेकर 2021 में 217 घटनाएं हुई और कुल घटनाओं की अगर बात करेंगे तो 1800 घटनाएं यहां पर देखने को मिली छोटी बड़ी मिला के। लेकिन डीरेलमेंट की जो घटनाएं हैं बड़ी एक्सीडेंट की, वो 217 घटनाएं हैं ट्रेन एक्सीडेंट की और सारे छोटे बड़े हादसे मिलाकर 1800 घटना है जो इस सरकार के कार्यकाल पे। अब आखिरी सवाल हमारा आपसे है कि ये जो बात निकल कर आ रही है अलग अलग वजहों की, इसको लेकर सीबीआई जांच, आपको लगता है कि यह निष्पक्ष नतीजे पर पहुंच सकती है? क्या इस घटना से सरकार सिस्टम जो है वो सबक लेगा और ये मेक श्योर करेगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो? क्या जिस कवच की हमारा बात कर रहे हैं वो आगे आने वाले समय में सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करेगा ताकि ये घटना हमें दोबारा ना देखनी पड़े? हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या सोचते हैं। और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये तो चलिए अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह से ये काम हुआ, जिस तरह से घटनाएं हुई और बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी घटना हुई, तो ये अपने आप में सवालिया निशान है। आपको लगता है कि ये घटना, मतलब आपके अपने एक्सपीरियंस से, किसकी वजह से हो सकती है? सिग्नल जो ड्राइवर था उसकी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की, या जो एक पूर्व रेल मंत्री थे उन्होंने कहा कि दिनेश जी शर्मा का नाम था कि साजिश के एंगल से भी जांच कर लेनी चाहिए। हालांकि सीबीआई जांच करेगी तो जितनी भी चीजें हैं वो स्पष्ट तौर पर आएंगी, लेकिन फिलहाल हम और आप प्रार्थना कर सकते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो घायल हैं, उन लोगों को ताकत दे सकते हैं जो इन्होंने अपनों खोया है। और बस प्रार्थना कर सकते हैं आप, जिस भी ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, खुदा, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो दुनिया में नहीं है उनकी आत्मा को शांति मिले। और सवाल पूछते रहें सरकारों से।